हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लीड कोडिंग। आई एम फराज और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के डिटेल्ड CTC ब्रेकडाउन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। जितने इंटरेस्ट से आप लोग ये CTC ब्रेकडाउन रोड मैप्स वगैरह की वीडियोज़ देखते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि उतने ही इंटरेस्ट से आप लोग DSA की तैयारी भी कर लें, ठीक है। बिकॉज इंटरव्यू जो भी क्रैक होगा, जब आप लोगों का DSA स्ट्रांग होगा, जब आप लोगों के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स स्ट्रांग होंगे, सो प्लीज़ फॉलो दोज वीडियोज़ एज वेल। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारा ऐसा कंटेंट डाला हुआ है जिससे आप लोग अपनी DSA की तैयारी कर सकते हैं। आप लोग जाके वो सारा कंटेंट देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारा फ्री कंटेंट आने वाला है फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशंस, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द CTC ब्रेकडाउन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ओके, सो सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज द बेस सैलरी। ओके, बेस सैलरी बेसिकली वो सैलरी होती है जो आपके अकाउंट में पर मंथ के हिसाब से आती है। सो यहां पर मैं पूरे साल का आपका बेस सैलरी बताने वाला हूँ, दैट इज 14 लैक्स। दिस इज योर बेस सैलरी फॉर द एंटायर ईयर। इसको आप 12 से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा दैट विल बी योर पर मंथ बेस सैलरी। ओके, देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट इज स्टॉक्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स मिलते हैं। सो दी स्टॉक्स आर $30,000 USD। ओके, आई मीन 30,000 को इफ़ यू कन्वर्ट, इट विल कम समवेयर अराउंड 22 लैक्स, 31,000, इसी के आसपास ही आएगा आपका, ठीक है। इसको 22 लाख मान लेते हैं, मोटा मोटा 22 लैक्स। अब ये जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स होते क्या हैं बेसिकली, ये आपका कंपनी का एक शेयर होता है कि इतना पार्ट, इतनी वैल्यू का कंपनी का पार्ट आपके पास है, ठीक है। इसकी वैल्यू आज ये है, कल को कंपनी ग्रो हो जाएगी तो इसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि आगे आने वाले एक साल में कंपनी हो गई डबल। ओके, अगर कंपनी डबल हो जाती है तो आपकी जो वैल्यू 22 लाख आज निकल के आती है, ये कल आपकी 44 लाख बन जाएगी। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बस, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टॉक्स कहते हैं, कंपनी का कुछ पार्ट है आपके पास। अब इन स्टॉक्स को आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं, सो बेसिकली 25% ऑफ योर स्टॉक्स जो कि आपको आज दिए गए हैं, जैसे आज आपकी ज्वाइनिंग होती है और आपको इतने 22 लाख के स्टॉक दिए गए हैं, तो इसका 25% आप लोग निकाल सकते हैं एक साल खत्म होने पर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक साल खत्म होने पर आप 25% निकाल सकते हैं, बाकी के आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर अगेन एक और साल खत्म होने पर आप अगेन 25% निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग 4 साल के अंदर ये पूरे स्टॉक्स निकाल सकते हैं आपके, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो आप लोगों के स्टॉक्स इतने ही रहने वाले हैं, आपको एज अ परफॉर्मेंस बोनस स्टॉक्स भी दिए जाते हैं, ओके। उनका भी कुछ टाइम होता है कि आप इतने इतने टाइम बाद निकाल सकते हैं, बट यस आपके स्टॉक्स बढ़ते रहते हैं, ओके। चलो अब हम लोग बात करते हैं बोनस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देयर इज अ वेरी यूजफुल प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल, कोड स्टूडियो। इट इज अ फ्री प्लेटफॉर्म बाय कोडिंग निंजास, जहां पर जाके आप लोग अपनी DSA की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। सो देयर इज माय DSA शीट, DSA शीट बाय फराज, जहां पर मैंने 250 क्वेश्चंस डाले हुए हैं टू प्रिपेयर फॉर कोडिंग इंटरव्यूज, ठीक है। ये इन्हीं सारी कंपनीज में आपके बहुत काम आने वाले हैं। सो हियर इज माय DSA शीट। अब इससे क्या है कि आप लोगों को कंपनी का पता चल जाएगा कि किस कंपनी में पूछा गया पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एवरेज टाइम वगैरह कितना होना चाहिए। अब लेट अस से क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप कहीं पर स्टक हो जाते हैं, सो इन दैट केस यहाँ पर आपके डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच टिल वेरी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, सारी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। उनकी एक्सप्लेनेशन एंड उनका कोड 3 languages में, C++, Java, Python, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट स्टक एनीवेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कोड स्टूडियो पे, सच एज दीज पाथवेज, गाइडेड पाथवेज। यहाँ पर आप लोग अपने एप्टी वगैरह के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड यू ऑल्सो हैव द इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। ओके, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ कंपनी। आपको पता है कि अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू होने वाला है, सो मेक श्योर दैट यू गो एटलीस्ट थ्रू 10 interview experiences, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको, ठीक है। तो कोड स्टूडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, इससे आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो गो टू दैट लिंक एंड रजिस्टर योर सेल्फ ऑन कोड स्टूडियो प्लेटफॉर्म, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं बोनस पे। सो यहाँ पर एज अ बोनस आपको दो चीज़ें दी जाती हैं, फर्स्ट इज योर ज्वाइनिंग बोनस एंड सेकेंड इज योर परफॉर्मेंस बोनस, ठीक है। तो पहले हम लोग ज्वाइनिंग बोनस की बात कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज अ श्योर थिंग, तो आपको मिलना ही मिलना है। सो ज्वाइनिंग बोनस आपका है 5 लैक्स। अभी जो 5 लाख हैं ये आपको एक साथ नहीं मिलने वाले हैं, इनमें से जो 2.5 लाख हैं ये आपको मिलेंगे ज्वाइन करने के 30 डेज के अंदर, और बाकी के जो बचे 2.5 लाख हैं ये आपको मिलेंगे
अगली साल ज्वाइन करने के अगली साल 30 दिनों के अंदर, ठीक है, बेसिकली स्प्लिट ओवर 2 ईयर्स है, 2 साल में मिलने वाला है आपको ढाई ढाई करके, ठीक है। ऑल राइट, नाउ द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ बोनस वॉज दी परफॉर्मेंस बोनस। अभी जो परफॉर्मेंस बोनस होता है दैट इज 0 to 20% ऑफ योर बेस सैलरी, तो 20% इसका निकालते हैं, निकल के आएगा 2.8 लैक्स। सो 2.8 लैक्स विल बी योर ज्वाइनिंग योर परफॉर्मेंस बोनस, इट विल बी मैक्सिमम, इतना मिलेगा आपको मैक्सिमम। बट एज्यूम करते हैं कि आपको इसका हाफ मिलता है, ज़्यादातर लोगों को वही अप टू 12% तक मिल जाता है ये, तो आप मान सकते हैं कि आपको 1.5 तक मिल जाएगा, 1.5 लाख तक मिल जाएगा ये, ओके। ऑलराइट, देन अदर बेनिफिट्स में आपका आ जाता है रिलोकेशन अलाउंसेस और बाकी सारे अलाउंसेस, इंटरनेट बिल्स वगैरह, ठीक है। तो रिलोकेशन में आपको मिल जाता है यहाँ पर 70,000, दिस इज योर रिलोकेशन अलाउंसेस, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सबको कंबाइन कर दें तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली जो CTC है वो बनता है 45 लाख। एंड अगर हम लोग सिर्फ फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करें तो फर्स्ट ईयर में हम लोग 14 को इंक्लूड कर सकते हैं प्लस 22 का भी आप 25% ले लो, सो इट विल बी समवेयर अराउंड 5 लाख, ठीक है। 5 लाख मान लो, 5 लाख के आपके स्टॉक हो गए, देन यू हैव द बोनस 2.5 लाख का बोनस आपका हो गया, एंड आप इसमें से भी 1.5 लाख का बोनस मान सकते हैं, एंड रिलोकेशन के आप 0.7 मान सकते हैं। सो दिस इज फॉर योर फर्स्ट ईयर, इसको कैलकुलेट करके निकलेगा ये समवेयर अराउंड 23.7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो लगभग इतना है आपका 1 ईयर का CTC, बाकी अगर आप लोग पूरा कंबाइन कर देते हैं देन आपका CTC 45 बन जाता है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो, यही है इसका कंप्लीट CTC ब्रेकडाउन, छोटे मोटे और कंपोनेंट्स इसमें होते हैं जो कि हमारे बेनिफिट्स में कवर हो जाते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो हिट दैट लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो कि आपको फ्यूचर में और किस किस कंपनी का CTC ब्रेकडाउन देखना है, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।